ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये कर्फ्यू में इतना ज़्यादा खतरनाक हालत थी कि इस रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था और है ना कुछ दिनों का कर्फ्यू लग गया था ग्वालियर में। परमिशन नहीं दे रहे कि वहाँ पर एक तस्वीर लगा कर, मतलब छोटी सी तस्वीर लगाना चाह रहे हो ना। तो जो व्यक्ति घायल हुआ था उसके पेट में गोली पड़ी थी। कैसे हो सम्राटो? बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं ना कि उनकी लाइफ में उनको पर्सनल चीज़ें दिखाते हैं तो वो दो तीन दिन का बफर कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, हम हैं रियल लाइफ ब्लॉगर, हमें हर चीज़ जो है नेक्स्ट डे प्रेजेंट करनी पड़ती है। और कुछ सालों से तो मैं तो सेम डे प्रेजेंट कर रहा था, मतलब सेम डे ब्लॉग डाल रहा था। रात को मुझे नींद आ गई और ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए ब्लॉग अभी एडिट करना है तो ऑफिस जाके करूंगा। देख देख कैसे मुंह बना रहा है, देख देख। आईना नहीं बेटा, नहीं, ए आईना छोटा, आईना बेटा से नहीं मारना। पहाड़ उठा ली तुमने तो रख दो नीचे, मछली दिल खिला रही है। ए पड़ी, मेरे हाथ जूते आने वाले थे, आए क्या? हाँ तो गए, लेकिन मैंने ट्राई भी कर लिए, मने नहीं मेरे। पापा आज मुझे काजू वाली मिठाई चाहिए। क्यों? मिठाई। हाँ। ये थे मेरे पुराने शूज और ये हैं नए, एग्जैक्ट सेम है, सेम टू सेम है। बताओ कितने लोगों की पत्नियां ऐसी हैं जो उनके जूते ट्राई करती हैं। बच गया मैं, 10 नंबर है। अब ये मत बोलना कि नीला कलर पैर में मत पहनो, अब इतने भी कट्टरवादी मत बनना। रेड ब्लू दोनों मेरे फेवरेट कलर हैं। जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। मुझे बिना लेस वाले शूज़ बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इन्होंने पहनने में टाइम वेस्ट नहीं होता। आपको पता है कल वो दिन है 2 अप्रैल जिस दिन से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो डिटेल में बताता हूँ आपको। दो अप्रैल को क्या हुआ था मुझे लगता है कि ये पूरा भारत जानता होगा, लेकिन मैं अपने नज़रिए से दिखाता हूँ आपको कि मेरे दिमाग पर ऐसा क्या हुआ कि मुझे ब्लॉगिंग करने का मन बना और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो पहले ज़रा एडिटिंग ख़त्म करें, फिर आपको बताता हूँ क्या हुआ था 2 अप्रैल के दिन जो न्यूज़ मीडिया ने नहीं दिखाया था और हमने अपनी आँखों से देखा था। फाइनली ब्लॉग जो है अपलोड हो चुका है। एक बॉक्स था तो एक कुरियर आया हमारा कि कहाँ छेद हुआ, पहले से था गया, एक एक संविधान भी खराब हो गया। अरे यार ये तो समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की, इस साइड से भी छेद है इसमें। तो ये देखिए, ये सारा सामान तो ठीक ठाक आ गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट वालों ने क्या किया, बाबा साहब की जितनी भी मूर्तियाँ थी वो सब कछुआ निकल चुका है और ये टोटल लॉस हुआ है। कल जो है वो 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को तुम कहाँ थे? यही ग्वालियर। ग्वालियर ही थे? जो अपने पास में ही पता होगा, जो सबसे ज़्यादा हड़दंग अपने इधर ही हुआ था। तो मेरी गाड़ी बीच में से रोकने, यानी और अदर सब लोग जो थे वो मेरी गाड़ी के पीछे दौड़े डंडे वंडे लेके, तो मैं वापस ऑफिस के लिए घर आ गया। दो कल के दिन मैं भी 2 अप्रैल वाली घटना वाले दिन यही कुंवरपुरा आया, वहाँ था, वहाँ खड़े थे कुंवरपुरा पे खड़े थे। तो मैं कुंवरपुरा तक आया था, तो जो मेरे साथ वाले थे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उन्होंने कहा अपन ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन दूर से हम लोगों ने देखा तो कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे, कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे, कई लोगों के हाथ में बहुत हथियार थे, उनको लाइव देखा था हम लोगों ने। तो हम आज आपको 2 दिन यही सब दिखाने वाले हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल में, तो उसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं और कल आपको डिटेल में बताएंगे कि आज जो उनके परिवार वाले उनकी आज भी क्या हालत है। इंडियन पोस्ट आए थे आप लोगों के, जो पोस्ट हैं वो हमने यहाँ से डाल दिए हैं, जो भी विलेज वाले एड्रेस थे। और आपको हम बताने वाले हैं कि 2 अप्रैल को एक्चुअल में हुआ क्या था। 2 अप्रैल को मैं ना अपने कज़न ब्रदर के साथ, नाम लेने के लिए मना कर देगा वो, तो उसके साथ हम लोग है ना अपने घर से निकल गए थे और जो एरिया था ना वो यही वाला था, 30पुर इसे बोलते हैं। 30पुर में जो मतलब पूरे के पूरे इंडिया में जो इतना बवाल हुआ था ना, उस बवाल में ये जो एरिया था सबसे ज़्यादा फेमस था। तो अभी आपको मैं एक एक करके दिखाने वाला हूँ। मैं जो है ना घर से निकला था,
ग्वालियर में जितने भी अम्बेडकर वादी थे ना, उन्होंने यही डिसाइड किया था कि सब लोग जो हैं जो बाबा साहब का पार्क है जो फूलबाग पर, वहाँ जाएंगे। तो मैं घर से इसी रास्ते से निकला था, और जब मैं इस रास्ते से निकल रहा था ना, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर गाड़ियों के कांच टूटे हुए थे, कुछ दुकान थे जो शायद देखो अभी भी वो कांच टूटे हुए हैं शायद। ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये कर्फ्यू में इतना ज़्यादा खतरनाक हालत थी कि इस रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था, और है ना कुछ दिनों का कर्फ्यू लग गया था ग्वालियर में, तो आप ये इस रोड पर तो आ ही नहीं सकते थे। और ना बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि है ना जो बहुजन लोग थे उन्हीं लोगों ने गाड़ियाँ फोड़ी थी, तो ऐसी बहुत सारी फुटेज सामने आई थी जिसमें पुलिस वाले खुद गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, और वो फुटेज भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उस समय डाला था। और दूसरा ये कि 30 तारीख को यहाँ पे एक रैली हुई थी जिसमें 2 अप्रैल की रैली को बड़ा बनाना इस तरह से लोगों को बोला जा रहा था, तो वो जो रैली हुई थी ना उसमें ना मैंने अपनी आँखों से देखा था कि उस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व अंदर घुसे थे और रैलियों के आसपास खड़ी गाड़ियों पर पत्थरों से और डंडों से तोड़ रहे थे ताकि रैली के लोग भड़क जाएं और वो सब लोग भी थोड़ा थोड़ी चालू कर दें। लेकिन हमने एक ख़ास चीज़ वहाँ पर ये देखी कि जब वो लोग तोड़ रहे थे ना, तो है ना जिसने भी तोड़ा था लोग उसे पीछे पड़ गए थे उसको मारने के लिए कि तुम साला अंदर कहाँ से घुसे आए हो, और वो हमारे व्यक्ति नहीं थे। और एक फुटेज भी मैंने रिकॉर्ड की थी, अगर वो मुझे मिली तो मैं डाल दूँगा। ये पूरा रोड था, ये पूरा जो रोड दिख रहा है ना आपको, यहाँ पूरे में है ना कर्फ्यू लगा हुआ था, और जो रैली सुबह के टाइम आई थी ना वो यहीं से आगे की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये बहुजनों का है। आगे मुरार है, वो गांव वाला इलाका है, वहाँ भी ज़्यादातर बहुजन ही रहते हैं, तो जितने भी युवा बहुजन थे ना वो सारे सारे यहाँ से इधर की ओर आ रहे थे। ये जो गल्ला कोठार है यहाँ अंदर पूरे बहुजन लोग रहते हैं, यहाँ से वो कुछ भीड़ आई थी। ये लेफ्ट हैंड साइड का सारा बहुजनों का घर है, बस जो मेन रोड पे हैं, मेन रोड के नहीं है, क्योंकि मेन रोड के जितने भी होते हैं वो बहुजनों को बेवकूफ़ बना के उनसे खरीद लिया जाता है, और उनको भी लगता है कि हाँ अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन वो फ्यूचर तो कोई देखता ही नहीं है। जो वायरल वीडियोस दिखी थी ना वो इस एरिया की थी, इस जगह की, और जो पहला व्यक्ति जिसको गोली पड़ी थी वो यहीं से था, जिसका नाम था दीपक मित्तल। वहाँ ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और उस कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गया था कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। एग्जैक्ट जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ ना, गाड़ी पे बैठा हूँ, यहाँ पर मैं यहीं पर पहला गनशॉट पड़ा था, और यहाँ पे मौत हुई थी या शहीद हुए थे दीपक मित्तल। ये जो घर दिख रहा है ना, ये दीपक मित्तल का है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी जो है कल कुछ प्रोग्राम रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखो जो नुकसान उस दिन हुआ सो हुआ, और उसके बाद भी यहाँ पर परमिशन नहीं दे रहे कि वहाँ पर एक तस्वीर लगा कर, मतलब छोटी सी तस्वीर लगाना चाह रहे हो ना आप, एक तस्वीर रख कर वहाँ पे कुछ फूल मालाएं लोग चढ़ाएं, लोग देखें उस चीज़ को, याद करें, तो वो उस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ये जो था ना वो दीपक मित्तल का घर था, और आप देख रहे हो ना अभी भी बेचारे उसी हाल में रह रहे हैं यहाँ पर, और एक छोटी सी मतलब एक तस्वीर लगा कर एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं। दूसरा व्यक्ति था वो, उसको जो गोली लगी थी वो इस एरिया में लगी थी, ये मतलब ऑलमोस्ट कुमरपुरा है, और आपको पता है हमारा ऑफिस भी यहीं पर है, सनी का जो ठेला लगता है वो भी यहीं पर है। ये कुमरपुरा एरिया है और वो सामने लगा हुआ है सनी का ठेला, और ये आ गए हैं हम सनी के फूड स्टॉल पे। और सनी कैसे हो? बढ़िया हो? तो बढ़िया हूँ, मस्त खाते पीते। तो ये हम क्या फिर से थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे थे, हम पहले आ चुके थे, कैमरा ऊपर रखा हमने, दिखा रहे थे लोकेशन कि ऐसे आप यहाँ पर आ सकते हो, और यहीं पर वो सारे कांड हुए थे जो उस समय हुए थे ना, मतलब ये वो एक कह सकते हो ग्वालियर का मेन चौराहा यही था। पूरे ग्वालियर में कर्फ्यू भले लगाओ लेकिन यहाँ पे इतना सख्त कर्फ्यू था कि ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं हम, बहुत खतरनाक कर्फ्यू था भाई साहब। पीक पॉइंट यही था, मतलब जो भी हुआ था वो यही हुआ था, और यहाँ पे जितने ठेले वाले हैं ज्यादातर ये सब बहुजन ही होंगे, सारे ज्यादातर नहीं पूरे बहुजन, सारे बहुजन है 101%। तो यहाँ पर देख रहे हो एक टाइप का मार्केट लगा है बहुजनों का, और ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा ऐसा कि जहाँ पर लोग खाना फल ये सब बेच रहे हैं। यहाँ पर कड़वी यादें, हमारा बहुजन समाज जिसको कहते हैं बहुजन समाज आज ही बिखरा हुआ है, और उस दिन तो बहुत खतरनाक बिखरा हुआ था भाई साहब। हमारे संघ वाले व्यक्ति जो हमारे संग पढ़ा है भला खेला है, उसको गोली पड़ गई छाती में, और कोई अपनी बाइक नहीं दे रहा भाई साहब, बाइक खड़ी है दस। अब मैंने मतलब उग्र होके लोगों को गालियाँ दी, तब जाके किसी ने बेचारे को शर्म आई, तब एक चाबी निकली। जो यहाँ पर जिनका एक्सपायर जो शहीद हुए थे राकेश चमोटिया ये यही पर सामने हुए थे। ना एक घटना और हो चुकी थी, हालांकि वो बच गया था, मेरी भी गाड़ी थी तो जो व्यक्ति घायल हुआ था उसके पेट में गोली पड़ी थी, वो भी टाल का था, 3 व्यक्ति गोली पड़ी थी यहाँ,
वो तीसरा व्यक्ति का तो आता पता नहीं अभी तक, नहीं जिंदा है, नहीं नहीं मतलब आता उसने या तो वो साथ हाईलाइट नहीं है, लाइट में आया ही नहीं होगा, सोचा होगा कि अगर लाइट में आया तो ऐसी पुलिस डर लेगी। मतलब जो पूरे इंडिया में जितना भी बवाल हुआ था ना, जितना भी न्यूज़ चैनलों में दिखा था, वो सब कुछ जो है ना उसका मुझे लगता 50% तो ग्वालियर में हुआ था, उसके बाद भिंड और मुरैना और डबरा में हुआ था। सही सही। बाय बाय। ये 60 फुट का जो है मेन मार्केट है, और ये कोई मेन रोड नहीं है अब, ऐसा हो गया है, लेकिन ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहाँ एक छोटा सा मार्केट बनता है, और ये सारे मार्केट के जितने भी आपके लोग दिख रहे हैं, आजू बाजू के घर दिख रहे हैं, जो छोटी बड़ी दुकान है, यहाँ से अंदर जाके हमारा ऑफिस आ जाता है, ये जितना कुछ भी आपको दिख रहा है ना, यहाँ जितने भी आजू बाजू लोग रहते हैं 99% लोग बहुजन है यहाँ पर। कुछ सक्षम है, कुछ नहीं है, जिनके घर ज़्यादा अंदर है वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, वो बाहर आके ठेले लगाए हुए हैं, और जिनके घर मेन रोड पे हैं उन्होंने दुकानें खोल ली हैं। मतलब काम चल रहा है जैसे जैसे चला रहे हैं। हाँ चल ठीक है भाई। पर्पस ले ओ। ये क्या है? आए ना सर, तब कर रही है। ध्यान में हो, विपसना कर रही हो। काजू कतली बराबर आई ना, ये सोए से मांग रही काजू कतली बेचारी। हम आपके और कुछ अच्छी चीज लाए, वो तो खा के देखो। हाँ चलो आओ जला के लाए। वो लकी पार्टी।